ये सच है कि दीपदान से भगवान की अखंड कृपा मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे उपाय और नियम हैं जिनसे जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो नियम। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। जानकारों का कहना है कि कुछ आसान उपाय करके इस महीने में भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है और इसके लिए 5 नियमों पर अमल करने की सलाह दी गई है। दीपदान का जो मुहूर्त हमने पहले बताया, दीपदान का मुहूर्त होता है या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या तो गोधूली बेला में किया जाए, और दीपक होता है तो उसमें जो सावधानियां होती है, नियम होती है, तो दीपक हम लोग जलाते हैं भगवान के निमित्त, तो वहां पर हम लोग एक श्लोक का उच्चारण करते हैं और उसमें श्लोक का उच्चारण करने का भाव यही होता है, भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हवन कृत यावत कर्म समाप्ति साथ तावत तम सुस्थिरो भव। अर्थात हे दीप देवता, जो मैं कर्म के निमित्त आपको जला रहा हूँ, आपको साक्षी मान रहा हूँ, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का संपूर्ण लाभ हमको प्राप्त हो, इसलिए हम दीपक का वहां पूजन करते हैं। ये नियम हुआ। सावधानियां ये है कि कहीं दीपक हम ऐसी जगह जलाए जहां से किसी का अनिष्ट न हो। दीपक जलाने का मतलब प्रकाश करना, न कि अनिष्ट करना। और वहां पर जलाते समय मन में भाव रखें दीपक के लिए, क्या शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। जो हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति हो और मेरी बुद्धि की बल की वृद्धि हो, ये दीपक से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हैं भगवान श्री हरि की कृपा दिलाने वाले वो 5 आचरण। कार्तिक में तुलसी पूजा करें, अखंड पुण्य मिलेगा। विलासिता से मुक्ति के लिए जमीन पर सोना चाहिए। भक्ति से विमुख करने वाला आचरण ना करें। कार्तिक मास में निंदा या विवाद से बचें। कार्तिक में दालों का सेवन नहीं किया जाए। कार्तिक महीने में दीपदान तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर इन 5 नियमों का भी पालन किया जाए तो जीवन सफल हो सकता है। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें दीपदान, तुलसी पूजन और इन 5 नियमों का आचरण। शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होंगी आपकी मनोकामना।